बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चटपटे फिश टोस्ट बनाऊंगी मैं आज। इसके लिए दो अंडे लिए हैं। दो अंडे के अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें हैं और 1/4 टीस्पून नमक। हमने दो अंडों के अंदर ये डाल दिया। इसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें हैं, ये एक बड़ी हरी मिर्च थी इसको चॉप कर लिया है। टमाटर, छोटा सा टमाटर है बीज निकाल के इसको भी चॉप कर लिया है। हरा धनिया है और प्याज, छोटी सी प्याज थी इसको भी हमने चॉप कर लिया है। ये हम इसके अंदर डालेंगे और इसको करेंगे मिक्स। इसके लिए हमें ये फ्रेश जो है ब्रेड चाहिए, जिसको इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। ये देखिए जी, ये हो गया है मिक्स। अब हमने कुकिंग ऑयल गरम करना है। आप इसको की टाइम स्नैक में खा लें, आप इसको नाश्ते में खा लें, और आपके पास घर में ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर आपको भूख लगी है, बाहर जाने का दिल नहीं चाह रहा या घर में मज़ीद सामान नहीं है, तो आप फटाफट से ये टोस्ट बना लें। अब हमने करना ये है, एक स्लाइस हमने लिया, इसको हमने इस तरह से इसमें डिप किया और जी इसको हम डाल देंगे, इसको हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा ऊपर भी लगा देते हैं ऐसे। और इसको डालने के बाद आपने फौरी तौर पर जो है ना पलटना नहीं है। एक डाल दिया है, इसको हम दूसरे स्लाइस को भी डाल देते हैं। ये देखें, दो को डाल दिया है। अभी थोड़ा ये एक साइड से गोल्डन हो जाए तो इसके बाद फिर हमने इसको टर्न करना है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई भी ना रखें, बहुत ज़्यादा स्लो भी ना रखें। ये एक साइड से गोल्डन हो गया था तो इसको मैंने टर्न कर दिया है, और अब इसको मैं दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से गोल्डन कर लूँगी। ये अच्छा सा गोल्डन हो गया है, ये देखें, ये यहाँ से भी हो गया है और यहाँ से भी हो गया है। इसको अब हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से मज़ीद सारे बनाऊंगी। चटपटे फ्रेंच टोस्ट बिल्कुल जल्द से और झटपट से मैंने रेडी कर ली है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको शाम में चाय के साथ बना लें या बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। तो आप ये देखेंगे चंद चीज़ों से मज़ेदार सी जो है ना एक रेसिपी बन गई है। बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।